नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद में संचार विहीन क्षेत्रों को चिन्हित कर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद तेज हो गई है। यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड टेली कम्युनिकेशन विभाग भारत सरकार से पहुंचे एडमिनिस्ट्रेटर हरिरंजन राय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक अमित सिन्हा, डिप्टी डायरेक्टर अरुण वर्मा एवं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सोमवार आज धारचूला टीआरसी में संचार व्यवस्थाओं से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान जिले के विभिन्न शैडो एरिया वाले क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर राय ने नेटवर्क कनेक्टिविटी को सीमांत क्षेत्रों के लिए आवश्यक बताते हुए जियो और बीएसएनएल कंपनियों को दी गई स्वीकृति पर शीघ्र टावर स्थापित करने को कहा। उन्होंने कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से टावर स्थापना के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित करते हुए लीज एग्रीमेंट करना सुनिश्चित करें। कहा कि टावर स्थापना कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले के 146 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, जिसमें से अधिकांश गांव धारचूला और मुनस्यारी के ऊपरी क्षेत्र के हैं। बीएसएनएल द्वारा 141 जियो कंपनी द्वारा 54 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी दी जानी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, एसडीएम AK शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जो बैठक हुई उसमें ये कंक्लूड किया गया कि फास्ट लिंग एरिया या बॉर्डर एरिया में जहाँ जहाँ नेटवर्क के इशूज जो आ रहे हैं वहाँ जल्दी से जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उस कंपनी के थ्रू वो लगाए जाएंगे और मेरे लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग की जानी। इस संबंध में मुझे एडिशनल सचिव सर की तरफ से जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करवाएंगे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमितों के आने का क्रम जारी है। सोमवार को 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में आज 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 4 RT-PCR और 1 एंटीजन में पॉजिटिव पाए गए। जिले में वर्तमान में 33 केस एक्टिव हैं। जिले में पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस द्वारा बीते दिवस 50 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को सीज किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।